तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ा झटका, कांग्रेस के 8 विधायकों ने टीआरएस का दामन थामा। कांग्रेस ने तेलंगाना में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ 2 डिप्टी सीएम और 9 मंत्रियों ने शपथ ली। शपथ ग्रहण पर कांग्रेस बोली, राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने लोकतंत्र की हत्या की, राष्ट्रपति उन्हें पद से हटाएं, कल विश्वास मत पेश होगा। चौकीदार को लेकर मायावती और अखिलेश का प्रधानमंत्री पर तंज, कहा वोट की खातिर चाय वाले ने देश को चौकीदार बना दिया। राबड़ी यादव बोली, नाक कटाने वाले शख्स के अंधभक्तों में भी लगी नाक कटाने की होड़। लोकसभा चुनाव को लेकर डीएमके का घोषणा पत्र जारी, कहा सत्ता में आए तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में शामिल 7 दोषियों को मानवीय आधार पर रिहा किया जाएगा। वोट यात्रा के दूसरे दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोली, सरकार बताए पिछले 5 साल में क्या किया, साथ ही कहा मोदी सरकार की डेट एक्सपायर हो चुकी है। जेट एयरवेज में सफर करना सुरक्षित नहीं, कंपनी की इंजीनियर्स यूनियन ने डीजीसीए से कहा, यात्रियों की सुरक्षा जोखिम में, इंजीनियर्स को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। करोड़ों रुपए के पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी, ईडी की अपील पर लंदन की कोर्ट ने नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।